भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आज खेला गया आईसीसी वर्ल्ड कप मैच को 7 विकेट से जीत लिया। वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान पर ये लगातार 8वां जीत है। वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया पाकिस्तान टीम के साथ अपना तीसरा मुकाबला खेलने मैदान में उतरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को 191 रन पर ही समेट दिया। पाकिस्तान के पहले 2 विकेट 73 रन पर गिरने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर जम गए। दोनों ने अच्छी साझेदारी की और पाकिस्तान का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाने के बाद पाकिस्तान की टीम अच्छी स्थिति में दिख रही थी और ऐसे लग रहा था कि आसानी से ये टीम 300 रन से ज्यादा का स्कोर बनाएगी, मगर सिराज ने फिर से कमाल कर दिखाया। सिराज ने एक बार फिर से साझेदारी को तोड़ा और बाबर को आउट कर दिया। यहीं से पाकिस्तान के विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। कुलदीप जब गेंदबाजी करने आए तो पाकिस्तान का स्कोर 162 रन पर 3 विकेट था और जब उनका ओवर खत्म हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर 166 पर 5 विकेट हो चुके थे। कुलदीप ने सऊद शकील को LBW आउट किया और इफ्तिखार अहमद को बोल्ड आउट। इसके बाद पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई। 166 पर पाकिस्तान के 5 विकेट गिरने के बाद जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेने का जिम्मा उठाया। पहले रिजवान को स्लो इन स्विंगर पर बोल्ड आउट किया और फिर शादाब खान को एक आउट स्विंगर पर बोल्ड किया। मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। उस समय पाकिस्तान 171 रन पर 7 विकेट गंवा चुके थे। यहाँ से पाकिस्तान के लिए 200 रन का स्कोर भी मुश्किल लग रहा था। अंत में हार्दिक और जडेजा ने विकेट लिए। पाकिस्तान की पारी 191 रन पर सिमट गई। भारत के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और स्पिनर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। 192 रन के टारगेट के जवाब में भारतीय टीम ने 30.3 ओवरों में ही 3 विकेट गंवा कर मैच को अपने नाम कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर सबसे ज्यादा 86 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के और 6 चौके भी जमाए। हालांकि शुभमन गिल अच्छे लय में दिखे, मगर 16 रन बनाकर भी आउट हुए। विराट कोहली ने भी 16 रन बनाए। अंत में श्रेयस अय्यर ने नाबाद 53 और KL राहुल ने नाबाद 19 रन बनाए और भारत को जीत के दहलीज तक ले गए। पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 विकेट लिया। इस मैच में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच रहे। तो दोस्तों, ये थे भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया मैच का हाइलाइट्स। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ बने रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।